नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन सैनी। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल यूट्यूब सिविल गार्डनिंग। दोस्तों, आज हम नर्सरी आए हैं, जहां पर आपको नर्सरी में किस प्रकार से फ्लावरिंग खरीदनी चाहिए ये सब हम आपको बताएंगे। ये मैरीगोल्ड आप देख सकते हैं, ये कश्मीरी गुलाब। कश्मीरी गुलाब के अंदर आप देखिए, ये कश्मीरी गुलाब है, आप देख रहे हैं। क्योंकि कश्मीरी गुलाब की डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए नर्सरी वाला भी स्टॉक अधिक रखता है। आप देख सकते हैं कितने अधिक फूल दे रहा है। ये देखिए, ये सीजनल फुलवारी, ये सदाबहार है। आप देखिए, अलग अलग वैरायटी के अंदर सदाबहार, सीजनल सदाबहार है। देखिए, ये ऑफिस फ्लावरिंग आ गए, ये कनेर आ गए, आप देख रहे हैं मिक्स कनेर, ऑल वैरायटी। ये कश्मीरी गुलाब आ गए, काफ़ी बड़ी नर्सरी आप देख सकते हो। जैसे क्रिसमस ट्री छोटा साइज वो वाला देखिए आप, सामने बड़ा साइज है क्रिसमस ट्री का, बहुत अच्छी क्वालिटी है। देखिए ये क्वालिटी देखिए आप, बहुत प्यारी क्वालिटी है। और इसके अंदर देखिए, ये है बड़ा साइज क्रिसमस ट्री का, इससे अच्छी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। प्लांट देखिए कितना हरा भरा प्लांट है, ख़रीदने वाला फर्स्ट टाइम में ही ख़रीद लेगा। ये देखिए आप कितना स्टॉक है। ये करोटन, करोटन की क्वालिटी देखिए आप, क्या मस्त क्वालिटी करोटन की। ये करोटन, ऑल करोटन, ये मोर पंखी हैं, आप देख रहे हैं मोर पंखी। ये गंधराज, देखिए गंधराज की क्वालिटी भी अच्छी है। ये देखिए कली आ रही है, बहुत शानदार गंधराज। ये देखिए, ये एक बहुत अच्छी नर्सरी है, ग्रीन गार्डन नर्सरी। इसमें मस्त मस्त प्लांट मिलते हैं। जैसे आप देखिए ये करोटन, या मस्त करोटन आप देखते रह जाओगे। मैं आपको एक बेल के अंदर देखो, बिगोनिया ब्रिस्टा बेल है, बहुत शानदार बेल है, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है इसकी फर्स्ट टाइम में। ये देखिए आप हर श्रृंगार आगे, इधर देखो ये सारे सीजनल, वो सॉरी, ये सब डेकोरेटिंग प्लांट है जो आप लगाकर इनको आउटडोर इंडोर के अंदर भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन प्लांट सबसे बेटर, जैसे पाम हो गया, पाम की वैरायटी बहुत प्यारी वैरायटी है पाम की। आपको मैं एक पाम दिखाता हूँ, देखिए आप पाम, ये देखिए क्या पाम है, शानदार पाम, बिल्कुल हरा भरा। अब इसी प्रकार हम भी एक दो पाम खरीद लेते हैं। जैसे देखिए ये पाम, देखिए क्या पाम है, देखिए शानदार पाम, एक पाम। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी प्लांट किसी तरीके से खरीद सकते हैं, कोई आपको देगा नहीं, नर्सरी वाला बोलेगा आप खुद ले आओ निकाल के। देखिए दो पाम, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। आप अपने हिसाब से घना हुआ प्लांट, मतलब जो अच्छा है वो खरीद लीजिए। देखें ये हो गए तीन पाम, और भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए आप साइज़, पाम की साइज़ देखिए,
ये अभी अभी गाड़ी आई है यहाँ पे, जो देखो प्लांट बंधा हुआ भी है। ये खुले प्लांट आप जैसा लेना चाहो ऐसा ले सकते हो, तो सबसे बढ़िया रहेगा आप बंधे हुए प्लांट लो, जिसमें आपको भी फ़ायदा होगा। तो पेड़ आपके टूटेंगे नहीं आप लेके जाओगे जब। ये देखो सेम प्लांट, तो ये हो गए एक ही हो गया, तीन एक ही हो गया, चार चार पाम हो गए अपन के पास। और क्या, और मैं आपको दिखाता हूँ, इनको साइड में छोड़ के चलते हैं। ये देखिए केले के पेड़, ये केले के पेड़ बहुत अच्छी वैरायटी है, इसके अंदर अगर आप लगाओगे तो बहुत शानदार केले देता है। ये देखिए आप क्या शानदार प्लांट है, इस प्लांट का नाम क्या है, ये इग्जोरा, इग्जोरा देसी इग्जोरा, चाइनीज़ नहीं है। और ये हो गया आपका पान का पेड़ हो गया, आप बोलते हो पान, पान ये है आपका, इलाहाबादी पान नहीं है ये, सॉरी इलाहाबादी पान है ये, रायत पान का पत्ते का साइज़ छोटा होता है। ये देखिए आप इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये देखिए थी इसको इस प्रकार से करके इसको खाने का, वाह बहुत अच्छा स्वाद है ये पान का। मैं आपको डेकोरेट प्लांट दिखाता हूँ अभी आपको, देखिए आप क्या क्वालिटी है, आपको एक बार में पसंद आ जाएगा प्लांट। देखिए एक प्लांट और ये देखिए स्टॉक्स। अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप खुशबू में पसंद करते हैं तो मधुकामनी, ये मधुकामनी है जिससे आप हेज बना सकते हो। ये वाइट फूल देती है, सुगंध देती है आपको बहुत प्यारी, आपकी हेज भी कवर हो जाती है और इससे हेज बनाइए आप, बहुत अच्छा लगेगा और हेज के साथ साथ आपके पूरे घर को खुशबू से रोशन कर देगी। ये है मनी प्लांट, ये मनी प्लांट है जो इंडोर आउटडोर आप दोनों जगह रख सकते हो, डेकोरेट में भी और बाहर भी, और ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए जी बहुत शानदार प्लांट, बहुत प्यारा। अभी हमने देखो पाम खरीद लिए, अभी हम खरीदेंगे फाइकस, खरीदेंगे फाइकस, फाइकस की वैरायटी देखने चलते हैं। ये देखो जी फाइकस निकाल दिए, ये देखिए ये फाइकस है, 6 फीट का फाइकस है ये, 6-6.5 फीट का, और देख लें आप क्या अच्छी क्वालिटी है। आपका साल भर में ये पूरा मतलब कवर कर लेगा, 10-12 फीट आपकी कवर कर देगा ये, अगर आप बनाना चाहते हो तो। और ये देखिए आप अगर आप बोर का पेड़ चाहते हो तो, देखिए जी बोर आ रहा है, ये देखिए जी कितने सारे बोर आ रहे हैं, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए बोर का पेड़ है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी वाला बोर है, हम खा के भी देखते हैं। ये देखिए जी मैंने एक तोड़ लिया है, हम इसको खा के देखते हैं। बहुत मस्त बोर है ये मैं इसके लिए आपके लिए, ये देखिए ये कदम का पेड़ है, इसकी घर में पूजा करते हैं, इसको बहुत शुभ माना जाता है, अधिकतर लोग इसको लगाते हैं। अब मैं आपको पूरी नर्सरी का एक बार क्लू दिखाता हूँ, ये देखिए
टोटल इधर फ्लावरिंग फ्लावरिंग है, ये देखिए आप सीजनल फ्लावरिंग। वही साइड में देखिए आप, इधर ये खेती हो रही है, बैंगन उग रहे हैं इधर, ये देखो लोगों ने बैंगन फूल लगा रखे हैं, और इधर सरसों लग रही है आगे, उधर नींबू के पेड़ भी लग रहे हैं, देखिए कितने प्यारे फ्लावर हैं। फ्लॉक्स फ्लॉक्स पिटूनिया सारी वैरायटी है, देखिए कितना अच्छा फ्लावरिंग को, ये देखिए ऐसी। आप वीडियो देखना चाहते हो नर्सरी के बारे में और जानना चाहते हो प्लांटों के बारे में, तो आप सिविल गार्डनिंग से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए ये इसको रेपिस पाम में लेते हैं, बहुत अच्छा पाम है इंडोर के लिए, ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छा रहता है, छोटे प्लांटों के लिए मतलब छोटे पॉट के लिए इंडोर के लिए। ये देखिए आगे भी जाते खाता हूँ, ये देखिए जी इस प्लांट को बहुत अच्छा माना जाता है, लोग इसको अधिकतर लगाते हैं, इसमें फ्लावरिंग आता है, दो साल में एक बार फ्लावरिंग देता है, छोटे छोटे फूल आते हैं, बाकी ग्रीन रहता है। देख लीजिए आप नर्सरी, देखिए जी बहुत बड़ी नर्सरी है, आज हम यहाँ से बहुत सारे प्लांट लेके जाएंगे, मैं आपको नर्सरी दिखाना चाहता हूँ लास्ट में। आप आइए यहाँ सेल कीजिए, सॉरी आप आइए और ख़रीदिए, ये देखो बड़ी बड़ी साइज़ में भी है ये वो क्या कहते हैं सॉरी मधुकामनी, जो मैंने आपको छोटी दिखाई थी ये बड़ी साइज़ में, बस 10-20 रुपए का फ़र्क पड़ता है, जैसे वो मान लो 40 तो ये 80 रुपए लास्ट, ये देख लें आप। थैंक यू, धन्यवाद।